नाइन्थ का सेकंड पार्ट हो गया था करने। नाइन्थ फर्स्ट पार्ट वाज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। इन द सेकंड पार्ट वी आर टू शो दैट सीए अपॉन पीए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एमपी। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल सिमिलर शो कर दी, सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन एम पी। तो ऑर्डर अगर ट्राइंगल से सिमिलर है तो इन द स्पेसिफिक ऑर्डर द साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। तो फ्रॉम दिस ए बी सी ए अपॉन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG. दो triangles given है हमें ABC and EFG. Simple बच्चे, triangles similar थी तो sides are in proportion. अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। क्या डिस्कशंस हो रही है, वहां से उठो क्रिश, आगे आ जाओ या उधर सेकंड लास्ट बेंच पे चले जाओ। D and H lies on the sides AB and FE of triangle. If triangle ABC is similar to triangle FEG, ये हमें given है। ABC similar, FEG, show that CD upon GH is equal to AC upon FG. सबसे पहली चीज देखो हमें क्या given है यहाँ पे, triangles given है ABC और EFG, जिसमें CD जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर, ठीक है, यानी कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। अब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर एफईजी, यानी कि कौन कौन से एंगल्स और कौन कौन सी वो लेके चलनी है। ए एफ के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी जी के इक्वल। अब सी पूरा अगर जी के इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे आपस में, यानी कि एंगल वन इक्वल टू टू इक्वल टू थ्री इक्वल टू फोर। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। शो क्या करना है मुझे, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ट्राइंगल्स साइड्स प्रोपोर्शनल शो करनी है। अभी यहां से देखो ट्राइंगल कौन कौन सी बनेगी, कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी मुझे, या ए सी डी और एफ जी एच। ए देखो एफ के इक्वल है, सी जी के इक्वल है, तो डी हमें इक्वल शो करना है एच। कैसे करेंगे, ट्राइंगल ए सी डी और एफ जी एच को सिंपली हमने सिमिलर प्रूव करना है, क्या करें। हाँ जी, ट्राइंगल कौन कौन सी बन रही है, ए सी डी ये वाली,
और दूसरी एफ जी एच है, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री है इसमें, और ए इज इक्वल टू एफ है। कौन सा क्राइटेरिया लगा? ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, देयरफॉर सी डी अपॉन एच जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। थर्ड पार्ट में यही था ट्राइंगल डी सी ए एंड एच जी एफ, तो ऑर्डर चेंज करोगे डी सी ए एच जी एफ, गॉट इट। अब सेकेंड पार्ट डी सी बी एंड एच जी ई को सिमिलर शो करना है। अब इनको सिमिलर शो करना, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो अगेन बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? एनी डाउट? चलें अगले पे, क्वेश्चन नंबर 11 आफ्टर दिस। स्टेटमेंट रीड करो। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट रीड करो। फिगर गिवन है 6.40। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी प्रूव दैट ए बी डी is similar to triangle ECF। राघव आप बताओगे मुझे, कर दूं इरेज? स्टेटमेंट समझाओ पहले तो क्या है। क्या क्या गिवन है? जिसको मैंने कहा है उसको बताना। ट्राइंगल एबीसी गिवन था, ई पॉइंट इससे बाहर गिवन था, ये एक्सटेंड करके ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, और क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। अब शो क्या करना है? ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ। ये वाला ट्राइंगल जिसको कहा है मैंने उसको बताने दो, बाकी बीच में नहीं बोलेंगे। ये दो ट्राइंगल सिमिलर शो करने हैं। ओके, एंगल डी और एफ 90 डिग्री आ गए, ठीक है, फर्स्ट एंगल हो गया। अब क्या ये आपको ही खड़ा कर देती हूँ मैं बताने के लिए, बाकी बच्चों से पूछना छोड़ देती हूँ मैं, है ना? हाँ जी। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, उससे क्या मिलेगा हमें? Opposite angles will be equal. AB equal to AC है, तो angle C will be equal to angle B. So ये वाला और ये वाला angles equal हो गए. So by AA similarity criteria, triangles are similar. चलिए next 12th question. ये आ गया समझ? चलो बताओ next, कृषान। Sides AB and BC
and median AD of a triangle ABC. Triangle ABC given है और उसका median given है. और दूसरी ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर. और इसका मीडियन हमें गिवन है पी एम. साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. यानी कि मुझे गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. साइड्स ए बी बी सी एंड ए डी कहाँ क्वेश्चन नंबर 12 कर रही 12 है ये हमारा. साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम. ए बी बी सी ए डी पी क्यू क्यू आर पी एम दीज आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल. तो पहले वाले के नीचे हमने पहले वाला लिखा, सेकेंड वाले के नीचे सेकेंड वाला, थर्ड वाले के नीचे थर्ड वाला. ये हमें प्रोपोर्शनल गिवन है. ठीक है. एंड वॉट वी आर टू प्रूव, we are to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle similar show करने कौन कौन सा क्राइटेरिया हमारा यूज हो सकता है उसमें, SAS, SSS या AA. ABC और PQR जो मुझे similar show करने हैं, sides proportional given है, AB और PQ, BC and QR. अब मुझे included angle show कर देना है कि ये दोनों equal है, तो it means क्या हो जाएगा, triangles ऐसे ऐसे similar हो जाएंगे. Show करना है. ये given है मुझे. Given में से मैंने ये दो sides ले ली कि ये proportional हैं जिन triangles को मुझे prove करना है उनके लिए. अब condition या तो third side AC equal to PR लूं या फिर ये वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल में समहाउ शो कर. अब जो ओवरऑल गिवन था मुझे उसको देखो. यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम. और ए डी और पी एम मुझे क्या गिवन है, मिड पॉइंट गिवन. यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, दिस इज हाफ ऑफ बी सी. क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, दिस इज हाफ ऑफ क्यू आर. क्या करेंगे अब, हाँ जी, बी सी और क्यू आर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसे. तो हमारे पास है ए बी अपॉन पी क्यू, ये एज इट इज. बी सी को कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी डी. एंड यहां से क्यू आर ट्वाइस ऑफ क्यू एम. तो ये मैंने रिप्लेसमेंट की, बी सी को रिप्लेस किया टू बी डी, क्यू आर को रिप्लेस किया टू क्यू एम, एंड ए डी अपॉन पी एम. ये कट गया. अब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी बी डी और ए डी, यानी कि ए बी डी, पी क्यू क्यू एम पी एम, यानी कि पी क्यू एम. तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया पी क्यू एम. क्या मिला यहां से मुझे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों हमने शो कर दिए, ये सिमिलर हैं. तो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हमें इक्वल मिल गए. अब ये हमारे पास ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है और इनका इंक्लूडेड एंगल हमने शो कर दिया दैट दे आर इक्वल. तो एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. हाँ जी, हाँ, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर शो कर दी हमने. अब ये ट्राइंगल्स सिमिलर मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. मैम, हाँ जी बेटा. मैम वीडियो बीच में मैम बहुत ब्लर हो रहा है.
Just a moment. आप क्लियर है? इज दिस क्लियर नाउ और नॉट? यस मैम, अब ठीक है मैम, पर बीच में मैम हो जाता है कई बार। तो मुझे बता देना, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम माय फोन देन। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यहाँ जो एंगल है, एक बार दोबारा बता दो। आई जस्ट एक्सप्लेन। यहाँ पे पहले ये समझ लो, जो एंगल ए और पी की बात हो रही है वो ये वाला एंगल है, पूरे ए और पी की बात नहीं हो रही। यहाँ ट्राइंगल ए बी डी है, तो ट्राइंगल ए बी डी के अकॉर्डिंगली एंगल ए आपका ये बन रहा है, एंगल पी आपका ये बन रहा है। क्लियर? अब दोबारा देख लो इसको, हमें इसमें गिवन था दैट साइड्स ए बी बी सी, ए बी देन बी सी एंड दिस मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। ये हमें प्रोपोर्शनल गिवन थे, तो हमने इनको प्रोपोर्शनैलिटी के वे में लिख लिया। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब हमें प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें ये वाली साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल गिवन है। पूरी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये वाले एंगल्स को इक्वल शो कर देना है, तो हमारा जो कंसेप्ट है जो हमें प्रूव करना है वो क्लियर हो जाएगा। सो ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हमें गिवन है बी सी अपॉन क्यू आर, दिस इज गिवन। हम अब ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ये छोटे वाले ट्राइंगल्स हमने लिए। छोटे वाले ट्राइंगल्स में सिंस ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर यूजिंग द एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल्स क्योंकि सिमिलर हैं, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए, यानी कि एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू अब हम यहाँ यूज करेंगे इन दो साइड्स के साथ, तो साइड एंगल साइड देन अगेन साइड एंगल साइड से ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और यही चीज आपको शो करनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो जरा, आफ्टर 13 इसके बाद करते हैं। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 14। ओहो, इसके बाद करेंगे, 14 इससे रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। 14 की स्टेटमेंट रीड करो, 12 की स्टेटमेंट रीड करो एंड टेल मी द डिफरेंस। That's why I told you ना कि इसको रीड करो और बताओ मुझे सेम है कि डिफरेंट है। अब साइड चेंज हुई तो उससे क्या हो जाएगा, फिगर बताना। इसमें बस ये ध्यान दो, जो हमने अभी प्रेजेंटली क्वेश्चन किया है उसमें ये वाली साइड प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। और अब जो हमें 14th क्वेश्चन में, 13th हम इसके बाद करेंगे, 14th क्वेश्चन में कौन कौन सी साइड्स हैं? ए बी एंड पी क्यू और ए सी एंड पी आर और अब बताओ क्या डिफरेंस है। ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे ए बी ए सी ए डी, ठीक है। अगर मैं इनको लेके चलूं जिसमे में हमने पहले किया था, हमने क्या किया था, ये छोटे वाले ट्राइंगल्स ले लिए थे, इनको सिमिलर प्रूव करके ये वाले एंगल्स हमने क्या किया था, इक्वल शो कर दिए थे। बट अगर अब मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल्स लेके चलती हूँ, क्वेश्चन नो डाउट कि एक फर्स्ट ग्लांस पे आपको लगेगा कि बिल्कुल सिमिलर है, माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अगर मैं इन एंगल्स को लेके चलती हूँ तो इन एंगल्स को इक्वल शो करके
हम ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अब वो इंक्लूडेड एंगल आपका नहीं बनेगा. इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल ए एंड एंगल पी. यानी कि आपको एंगल ए और एंगल पी को इक्वल शो करना है. सो हाउ विल यू डू दैट? हाँ जी, हाँ जी, मीडियन है ये और ये इक्वल होंगे. क्यों? नो, वो एंगल बाइसेक्टर होता है. वहां से BD इक्वल टू DC है, QM इक्वल टू MR है. कैसे कर दूं, वही तो पूछ रही हूं. हाफ थोड़ा लेंगे अब. मुझे BC और QR थोड़ा प्रोपोर्शनल गिवन है. क्या क्या प्रोपोर्शनल गिवन है मुझे? हाँ जी, क्या क्या गिवन है? यू आर गिवन दैट साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle. Show that ABC is similar to PQR. क्या लेके चलेंगे? देखो, इसमें हम करेंगे construction. हमने अब क्या शो करने हैं? ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल शो करने हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे अप टू लेट अस सपोज ई, सच दैट ये जो है डी, ये मिड पॉइंट बन जाए ए ई का. ठीक है, अब इधर से इधर ज्वाइन कर दो. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई. सेम वे में यहाँ पे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एन. अब मैं ये बड़े वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं, इनको अगर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं, तो ये एंगल टू और ये एंगल फोर इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली इधर से ज्वाइन करके एंगल वन एंड थ्री इक्वल हो जाएंगे. ऐड करके ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. बाकी सारा कंसेप्ट वही वाला है. सिर्फ ये दो एंगल्स जो हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं, ये केस आपका डिफरेंट हो रहा है. इसके लिए हमने क्या किया, ए डी के इक्वल डी ई एक्सटेंड कर दी, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया. सेम वे में ये ज्वाइन किया. अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? हाँ, एक ही चीज गिवन है ना, और तो कुछ भी नहीं गिवन. उससे पहले एक और काम करना पड़ेगा. इन दोनों को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे. कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर जो भी बनता है, क्या बनेगा सिमिलर के कॉन्ग्रुएंट? डी मिड पॉइंट है तो बी डी इज इक्वल टू आ गया डी सी, और ए डी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन. एंड क्या क्राइटेरिया लगा, ट्राइंगल सिमिलर हुए कि कॉन्ग्रुएंट हुए? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. साइड्स इक्वल हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या फायदा होगा उससे? जो आपका ए बी और पी क्यू का प्रोपोर्शनल था, वो क्यू सी ई और आर एन का भी प्रोपोर्शन आ जाएगा. यस और नो? हाँ जी, नहीं समझ आया. हमने जब ये बड़े वाला ट्राइंगल लेना है ना, इसमें ये वाली साइड्स तो हमें इनकी प्रोपोर्शनल गिवन है. हमें ये वाली साइड्स को भी अगर हम प्रोपोर्शनल ले लें, ये ऑलरेडी प्रोपोर्शनल थी तो उनका डबल भी प्रोपोर्शनल होगा.
तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, एस 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, तो ये एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे हमें। ये और ये तो गिवन था, थर्ड कंडीशन हमने लेनी है, एंगल्स हमारे पास कोई रास्ता नहीं है लेने का, बट क्योंकि ये हम दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो जो लेंथ आपकी ए बी की है द सेम विल बी द लेंथ ऑफ सी ई, जो लेंथ आपकी इधर पी क्यू की है द सेम विल बी द लेंथ ऑफ आर एन, यानी कि जो रेशियो आपका ए बी अपॉन पी क्यू का था द सेम विल बी द रेशियो ऑफ सी ई एंड आर एन। गॉट माय कंसेप्ट और नॉट? दोबारा बताऊं, ये दोबारा देखो, हमने ये पूरे वाले ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने से, ये ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने से पहले हमने क्या किया, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव कर दिए। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने से क्या होगा, जो गिवन साइड्स थी हमें उनका इंक्लूडेड एंगल हमें मिल जाएगा कि वो इक्वल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये वाली साइड्स के लिए हमें ये वाली साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शनल गिवन है, बाकी की दो साइड्स हमें प्रोपोर्शनेट करनी है, बाकी की दो में भी, क्योंकि AD अगर PM के प्रोपोर्शनल हमें गिवन था तो AD का डबल PM के डबल के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ ये चीज मुझे गिवन थी, AC इज इक्वल टू PQ और AD अपॉन PM, अगर मैं यहाँ दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, यस और नो? डिवाइड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, तो देयर इज नो चेंज इन द स्टेटमेंट। अब इसको मुझे इक्वल टू सी ई अपॉन आर एन प्रूव करना, सी ई और आर एन के रेशियो के इक्वल करने के लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। सेम वे में यहाँ पे भी QM is equal to MR, M is the midpoint of QR, then ये angle vertically opposite angle, PM is equal to MN by construction, SAS से ये दोनों triangles भी आपकी congruent हो गई, दोनों triangles congruent है means PQ जो है वो किसके equal है, RN के, और AB किसके equal है, CE के, ठीक है। तो जो आपको ये conditions given थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हमने यहाँ क्या किया, पी ए बी को रिप्लेस कर दिया सी ई से और पी क्यू को रिप्लेस कर दिया आर एन से, और इधर ए डी को रिप्लेस किया ट्वाइस ऑफ ए डी, इसको रिप्लेस किया ट्वाइस ऑफ पी एम से। अब ट्वाइस ऑफ ए डी किसके इक्वल है, और ट्वाइस ऑफ पीएम किसके इक्वल है, पीएन के। अब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, पीएनआर, ये कौन सा बन गया, एईसी, दोनों ट्राइंगल्स बड़े वाले सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर मींस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। सिमिलरली जॉइनिंग दिस बीई एंड क्यूएन, ये करके नहीं दिखाना, आपने सीधा लिखना है, सिमिलरली एंगल थ्री एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। यहाँ ये ध्यान रखना, टू के साथ वन को लेफ्ट पे लो, थ्री के साथ फोर को राइट पे लो, तो एडिंग लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हुई, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हुई, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर। गॉट इट क्लियर? डिटेल्ड सॉल्यूशन आई विल सेंड। हाँ जी, आई कांट से, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो कि अगर आपको गिवन है साइड्स और मीडियन प्रोपोर्शनल गिवन है, तो उसकी हर साइड, मतलब जो बड़े वाला ट्राइंगल बनेगा दैट विल बी सिमिलर। समझ आ रही है मेरी बात? किसी भी टर्म में दो साइड्स और मीडियन अगर आपको प्रोपोर्शनल गिवन है तो बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यू आर टू रिमेम्बर दिस कंसेप्ट। गॉट इट? इन ट्राइंगल्स इसे ए बी सी ई के इक्वल आ गया, पी क्यू आर एन के इक्वल आ गया, अब ए बी और पी क्यू को रिप्लेस कर दिया सी ई और आर एन से,
गिवन वाले में कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपल इतना कंसेप्ट समझो, इफ द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स और एंड मीडियन, दो साइड्स कोई भी और मीडियन अगर आपको प्रोपोर्शनल गिवन है, तो जिन ट्राइंगल्स की साइड और मीडियन की बात हो रही है दैट बिग ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर, एबीसी और पी क्यू आर आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे. गॉट इट क्लियर? अब 13th पे आओ, दिस यू कैन टेल. जस्ट अ मोमेंट बेटा. यस मैम. वेट. I'm real.